जब भी आप सभी कुछ पढ़ते हैं, हाँ दोस्तों, जब भी आप सभी कुछ पढ़ते हैं, कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो चीज़ें आपको भूल जाती हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि आप लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं रख पाते या पढ़ी हुई चीज़ें नहीं याद रख पाते? बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर, हम जो पढ़ते हैं, पढ़ते भी हम समय से हैं, पढ़ते भी हम ज़्यादा ही हैं, पर हमें चीज़ें याद ही नहीं हो पाती। इसका रीज़न बताइए कि इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो कुछ टाइम तक चीज़ें हमें याद रहती हैं, फिर इसके बाद अगर हम उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं, सही तरीके से याद नहीं करते हैं, तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आज दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पढ़ी हुई चीज़ों को लॉन्ग रिटेंशन यानी दोस्तों लंबे समय तक कैसे याद रखें, उनको इस तरह से कैसे याद रखें कि जैसे ही हम उनके बारे में सोचें, हमें उनका वो चीज़ें पता चल जाएं जो हमने याद रखी हैं, और समय समय पर भूलने वाली बीमारी आपको ना हो जो आपको बार बार होती है। इसके लिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, टाइम बहुत मैटर करता है कि हम किस टाइम चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आप सबसे पहला काम करो कि आप सुबह उठना शुरू करो। क्योंकि देखिए इसका होता क्या है, इसमें मैं आपको एडवांटेज बता दे रहा हूँ, इस समय जो एटमॉस्फेयर होता है दोस्तों, इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप काम करते हो, एक आपके अंदर मोटिवेशन अलग से होता है। जैसे आप किसी दिन अनुभव करते हो, किसी दिन आप सुबह उठ जाते हो तो आपको पूरा दिन आपका अच्छा बीतता है, भले आप उस दिन पढ़ो ना, पर आपको अंदर से एक हैप्पीनेस फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपको चीज़ें लर्न करनी है तो आप मॉर्निंग के टाइम का ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठते हैं तो आप अपनी नींद पूरी करने के बाद जैसे ही उठें, क्योंकि उस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हो, आप एक गिलास दो गिलास पानी पीने के बाद आप चीज़ों को लर्न करना शुरू कर दो। क्योंकि देखिए दोस्तों, लर्निंग का हमेशा फ्रेशनेस से, माइंड की फ्रेशनेस से बहुत कनेक्शन है। जब हम फ्रेश माइंड में होते हैं, जब हम एक्टिव मोड में होते हैं, तो हम चीज़ों को ज़्यादा ग्रैप कर पाते हैं, ज़्यादा लर्न कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अब बात आती है किस तरह से आंसर्स को लर्न करें, किस तरह से हम थ्योरिकल सब्जेक्ट को पढ़ें। तो मैं आपको देखिए सब्जेक्ट वाइज भी टिप्स बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अगर आपको फॉर्मूलेज और डेट्स लर्न करने हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए आपको करना क्या है। आपको मैं एक टेक्निक का नाम बताने जा रहा हूँ, पेस्टिंग वॉल टेक्निक एंड रिविजन टेक्निक। हाँ दोस्तों, अब आपको समझ में आता होगा कि इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है, उसके सामने उस वॉल पर आप क्या करो, इन फॉर्मूलेज को इन डेट्स की लिस्ट बना करके दोस्तों खुद से पेस्ट कर दो। तो ये आपको समझ में आया, पेस्टिंग वॉल टेक्निक। दोस्तों मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप क्या करो, जिस भी दीवार पे आप, जिस दीवार के आप सामने पढ़ते हो, जहाँ आपका स्टडी टेबल होगा, यानी जहाँ आप पढ़ते हो, उस दीवार के सामने आप क्या करो, इस चीज को रख दो, इस चीज को आप क्या करो, बिल्कुल दोस्तों, आप इस चीज को पेस्ट कर दो, या फिर ऐसी जगह आप पेस्ट करो जहां आपका जाना बार बार होता है, जहां आप बार बार जाते हो, ताकि आपका एक नजर पड़ता रहे। दोस्तों एक मैं इंटरव्यू देख रहा था एक बच्चे का, उसने दोस्तों एसएससी का एग्जाम क्रैक किया था, तो उसने बहुत अच्छी बात बोली कि देखो मैं तैयारी करता था और सभी तैयारी करते हैं, पर मेरी तैयारी में एक चीज मैंने अलग करी थी कि मैं क्या करता था, जो चीजें मुझे नहीं याद होती थी, जो मुझे चीजें बार बार जरूरत पड़ती थी, मैं उनको दीवार पे पेस्ट कर देता था। तो जैसे ही मैं जाता था पढ़ने के लिए, अगर मेरा मन नहीं भी होता था पढ़ने के लिए, तो मैं उन चीजों को देख लेता था। उन चीजों को देखने के बाद मेरा माइंड करने लगता था कि नहीं, मैं मुझे बैठ के पढ़ना चाहिए, तो वो पढ़ने लगता था, क्योंकि वो खुश हो जाता था, क्योंकि उसको चीजें याद होने लगती थी, उसको चीजें समझ में आने लगती। तो यही आपको भी करना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उनको आप पेस्टिंग वॉल टेक्निक पे दोस्तों यूज करके आप लगाइए। इसके बाद इनका रेगुलर इंटरवल टाइम पे, समय समय पर आप क्या करिए, इनका रिवीजन करते रहिए। दूसरा तरीका है कि आप चीजों को पिक्चराइज करके लर्न करिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको पढ़ना है 1857 का रिवोल्ट, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति अगर आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, तो आप पिक्चराइज करिए कि जैसे अगर आप कोई आप किसी गांव में गए और ऐसा युद्ध छिड़ गया, आपकी कोई अपोजिशन पार्टी है, जैसे अंग्रेज को दोस्तों आप क्या मान सकते हो, विरोधी पार्टी है, वो आपसे लड़ाई हुई, बिल्कुल चीजों को पिक्चराइज करके जब आप पढ़ोगे, तो आप एसएससी जैसे सब्जेक्ट है, साइंस जैसे सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों इसमें जो हमारे लिखने की टेक्निक होती है, वही हमको विनर बनाती है, वही हमको बताती है कि हम कैसे अच्छा करेंगे, कितना स्कोर कर पाएंगे। तो बिल्कुल लर्निंग वाली प्रॉब्लम से आप घबराइए मत, आप विजुलाइजेशन ना हो सके चीजों को विजुलाइज करिए। क्योंकि दोस्तों आपको ये पता होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कोई मूवी देखते हो, अगर वो मूवी अच्छी भी नहीं होती है, फिर भी आपको उस मूवी के लास्ट में आपको मूवी का हर सीक्वेंस लगभग याद ही रहता है, आप हर चीजें बता पाते हो, कहने का मतलब एक समरी आपके दिमाग में बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उन चीजों को पिक्चर के फॉर्म में देख रहे हो, आप उन चीजों को अपने सामने अनुभव करते हो। यही काम आपको लर्निंग में भी अपने करना है।
लर्निंग विथ एक्सपीरियंस। हाँ दोस्तों, लर्निंग विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर आप ये कॉन्सेप्ट जोड़ते हो अपने लर्निंग में तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो, उस चीज़ को आप सोचते रहो, उस चीज़ को आप मानो कि चीज़ आपके सामने हो रही है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो आप मानो कि हाँ ये रिएक्शन मेरे सामने हो रहा है। उस चीज़ों को विजुलाइज करने का कोशिश करो कि मैं लेबोरेटरी में गया, मैंने टेस्ट ट्यूब लिया और मैंने HCl डाला, NaCl डाला और ये रिएक्शन हुआ। बिल्कुल जो भी ये रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, उनको विजुलाइज करने का फॉर्म में विजुलाइज। तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से आप याद कर सकते हो। जैसे आप मैप कर रहे हो तो मैप में आप एक हॉर्स की टेक्निक आती है, उस तरह से आप हॉर्स बनाकर कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके, विजुलाइज करके आप चीज़ों को बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो। बात आती है लॉन्ग टर्म रिटेंशन की, कैसे हम करें। तो देखिए, मैं यही कहता हूँ आपको बार बार कि आप नई चीज़ों को कम पढ़ें पर पुरानी चीज़ों को अपनी पॉलिश करते जाएं। कहने का मतलब, समय समय पर अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है और चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद होंगी। अब मैं बात करता हूँ कि देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा सर पॉइंट वाइज और पैराग्राफ वाले आंसर कैसे याद करें। तो देखिए, जब पॉइंट वाइज आप आंसर को याद करते हो तो पॉइंट में आसानी होता है। पॉइंट में क्या करो, पहले उन पॉइंट्स को याद करो जो आपको एक पहली बार आप रीडिंग करो। किसी भी आंसर को आप लो, चाहे पैराग्राफ का हो चाहे पॉइंट का, मैं दोस्तों आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पैराग्राफ वाले आंसर आपको बोरिंग लगते होंगे, पॉइंट वाले आंसर आपको ईजी लगते हैं। कारण ये होता है कि उसमें एक एक दो दो लाइन में पॉइंट्स दिए रहते हैं, आप आसानी से उसको याद कर लेते हो और 10 पॉइंट में से कम से कम आप 8 पॉइंट, 6-7 पॉइंट एग्जाम में लिख कर आते हो। पर यही बात अगर पैराग्राफ वाले की आती है तो हम उतना रिटेन नहीं कर पाते, उतना हम लर्न नहीं कर पाते। तो मैं आपको पैराग्राफ वाले में ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप क्या करो, एक नॉर्मल रीडिंग करो, एक रीडिंग करो, उससे कुछ ना कुछ आपको क्लू लगेगा। और जैसे ही आप 2-3 बार पैराग्राफ वाले आंसर्स को पढ़ोगे, एक आपके दिमाग में आइडिया बन जाएगा, खुद से आप लिखना शुरू कर दोगे। और यही आपको करना है। बिल्कुल दोस्तों, याद करने के बाद कॉपी बंद करके तुरंत लिखिए, वो चीजें आपको याद होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप पढ़ के याद करोगे उससे ज्यादा आपको लिखने पर याद होता है। आप किसी फॉर्मूले को 4 बार लिखो, जैसे आप दोस्तों cos थ्री एक्स के फॉर्मूले को लिख रहे हो, 4 cos³x - 3 cos x, sin थ्री एक्स के फॉर्मूले को लिख रहे हो, तो ये चीजें मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने ये चीजों को लिखा है, इन चीजों को मैंने बार बार देखा है। तो बार बार अगर चीजों को लर्न करोगे, बार बार चीजों को देखोगे, तो अपने आप आपके लिए लॉन्ग टर्म आपके लिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ क्लास एयर की, मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, मेरी क्लास में एक बार क्या हुआ कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, SST का पीरियड चल रहा था। बिल्कुल दोस्तों, एक हमें रंजीत सर करके टीचर थे, वो हमें पढ़ाते थे, हम तो हाँ दोस्तों हमारे क्लास में वो टीचर थे, तो उन्होंने एक मुझसे लंबा क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल दोस्तों, उस पूरे क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा दोस्तों 8th section C था, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर दोस्तों उस क्लास में किसी ने उस आंसर को नहीं सुनाया था, पर मैंने उस आंसर को सुनाया और सर ने मेरे कहा कि मुझे लगता है कि उज्ज्वल तुम केवल यही आंसर लर्न करके आए थे। तो दोस्तों वहाँ पर सभी बच्चे हंसने लगे, क्योंकि मैंने दोस्तों एकदम डिट्टो आंसर सुना दिया उनको। ऐसा नहीं कि मेरी रटने की कैपेबिलिटी अच्छी थी, मैंने इतनी बार उसको पढ़ लिया था कि वो चीज़ें मुझे याद हो गई थी। बिल्कुल दोस्तों, अभी भी मुझे उस आंसर की पहली लाइन याद है, ऐसे करके था वो, The Third Battle of Panipat करके दोस्तों, डेल्टा डिसाइसिव रोल। बिल्कुल कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मैंने उसको 10-15 लाइन का, 20 लाइन का आंसर था दोस्तों, उसको मैंने एकदम डिट्टो सुना दिया था। उसका रीजन था कि मैंने उसको बार बार रिवाइज किया था, बार बार मैंने चीज़ों को किया हुआ था, इसलिए दोस्तों मुझे पता चली। और एक बार ऐसा हुआ दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे क्लास में क्वेश्चन पूछा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। बिल्कुल, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, चीज़ों को हम याद नहीं रखते, पर दोस्तों इंग्लिश में एक बार वर्ड आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको मैं 11th की बात बता रहा हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, क्लास में किसी ने उस चीज़ को नहीं बोला, मुझे उस चीज़ को पता था, मुझे वो पता था कि मुझे क्या बोलना है, तो मैंने उस चीज़ को बताया दोस्तों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो मेरे सर बहुत खुश हुए कि हाँ चलो तुमने बताया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ें यूनिक वे में बताते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरे क्लास में कोई नहीं बोलता पर वो बोलते हैं, तो वो दोस्तों यही होता है कि उनको चीज़ें लर्न हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आपको अप्लाई करना है। और जहां भी आप पढ़ने बैठे तो ये ध्यान रखें कि साइलेंस रहे वहां पर। जब आप लर्निंग करते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा दोस्तों कंसंट्रेशन मांगता है, आपको कंसंट्रेट ज्यादा होना पड़ता है कंपैरिजन टू रिटेन में। जब आप लर्न करते हो तो आपको पूरे उस बुक में, जो भी आप पढ़ रहे हो, उस फ्रेम में ही आपको रहना पड़ता है। उसके बाहर अगर आप सोचोगे तो आप चीजों को लर्न नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी जो आप लोग बोलते हो कि सर मैं पढ़ता तो जाता हूं पर भूलता जाता हूं। तो मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, इन टेक्निक्स को आप अप्लाई करिए। और दोस्तों अपने कमेंट में हमें अपने व्यूज बताइएगा कि आपको क्या चीजें प्रॉब्लम हो रही थी, कहां पर आपको प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं। देखिए, सभी के साथ ये चीजें होती हैं, वो आपका कर्तव्य है कि आप उससे कैसे डील करते हो, कैसे उन चीजों को आप पार लगाते हो, कैसे उन चीज़ों से आप आगे बढ़ते हो। तो बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों बहनों में, सब में शेयर करिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी की है। चाहे आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ये जनरली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें फेस करनी पड़ती हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रिविजन पर आपको बहुत फोकस करना है। जो टेक्निक्स हैं मैंने आपको बता दिया, विजुलाइजेशन को अपनाइए। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ, इस वीडियो में पूरा क्या क्या समरी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको जो टेक्निक्स बताई, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया पेस्टिंग वॉल रिवीजन टेक्निक, इसको आप करिए, आप विजुलाइजेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज करने की चीज़ों को सोचिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खुद से अनुभव करिए। बिल्कुल, आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद होंगी और
क्या करो, जो भी चीज आपको लर्निंग वाले सब्जेक्ट, जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, उनसे बार बार टच में रहो। ऐसा मत करना कि उनको पढ़ने के बाद आप कुछ टाइम तक छोड़ दो, ये मत करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको चीजें याद नहीं होंगी, तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं करिएगा। आपको जो पढ़ना है बिल्कुल उसको पढ़ते रहिए। लॉन्ग टर्म आपको अगर याद करना है चीजों को, तो बार बार रिवीजन और कंटिन्यूअस जब आप रिवीजन कर लोगे, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको चीजें याद अपने आप आने लगेंगी। आप कुछ भी एक वर्ड आपको कोई बोलेगा तो उसे पूरा आंसर सुना सकते हो। और देखिए दोस्तों, दिमाग में बहुत अच्छी बात बता दूं कि भूलने की जो बीमारी होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बिल्कुल भूलना भी जरूरी है। अगर ज्यादा चीजें हमारे दिमाग में स्टोर रहेंगी तो दोस्तों, जैसे कंप्यूटर में अगर आप ज्यादा चीज स्टोर कर देते हो तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो हैंग करता है, सेलफोन भी, तो उस तरह से हमारा दिमाग भी है दोस्तों। बिल्कुल भूलने की तकनीक भी अच्छी है, भूल जाते हैं लोग, पर रिटेनिंग के लिए आपको मेहनत करनी है बार बार। बिल्कुल एक बार चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे ज्यादा दोस्तों अपने व्यूज को कमेंट करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।